हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विनोद आर्ट अकेडमी। तो दोस्तों, मैं आज एक लैंडस्केप बनाने जा रहा हूँ जो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी इजी होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं A4 साइज के पेपर में और दो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब इससे मैं यहाँ पर लैंडस्केप ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ट्री ड्रॉ किया, ठीक है। और इसके बाद ट्री बनाने के बाद मैं यहाँ पर पीछे का बैकग्राउंड झाड़ी दिखाऊँगा इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने एक रास्ता ड्रॉ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे की यहाँ पे दूर का मैं पहाड़ दिखा रहा हूँ और यहाँ पर एक मैं छोटा सा घर दिखाऊंगा जो काफ़ी इजी है और सिंपल है बिगनर्स के लिए। और दोस्तों, ये पेपर मैंने यहाँ पर 100 GSM का लिया है। आप चाहो तो 150 या फिर 200 GSM का भी ले सकते हो, ठीक है। मैं इसे वाटर कलर करने वाला हूँ। मेरे पास ये नॉर्मल पेपर है दोस्तों, आप चाहे तो 150 या फिर 200 GSM का लोगों तो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पर मैं यहाँ पर एक ह्यूमन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फाइनली ये फिगर कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं इसमें कलरिंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए हल्का सा मैं इसे इरेज कर दूँगा रबर से। अब यहाँ पर मैं पेपर को थोड़ा गीला कर दे रहा हूँ पानी से। अब इस पर मैं कलर अप्लाई करूँगा। तो कलर आसमान के लिए मैंने यहाँ पर ब्लू के साथ मैंने थोड़ा क्रिम्सन ऐड किया है। मोटे ब्रश से आप इसे इसमें कलर अप्लाई करना दोस्तों। अब पीछे का जो पहाड़ है ये इसे भी मैंने यहाँ पर डार्क यहाँ दिखाया है। ब्लू के साथ मैंने क्रिम्सन जो कलर बनाया था उसे ही डार्क मैं यहाँ पर कलर दिखा रहा हूँ। अब पीछे का जो जंगल झाड़ी जो है वहाँ पर मैं यहाँ पर ग्रीन दिखाऊंगा, विडियन ग्रीन। इसे और डार्क दिखाने के लिए मैंने वहाँ पर थोड़ा पर्सन ब्लू भी ऐड किया है विडियन ग्रीन के साथ। इस तरह से वो कलर ब्लेंड हो गई दोस्तों। तो कलर दोस्तों, आप ये कलर सूखने के पहले ही आप कलर अप्लाई करना ताकि वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अब यहाँ पे मैं ज़मीन के कलर दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर सबसे पहले लेमन येलो, उसके बाद सैप ग्रीन और उसके बाद विडियन ग्रीन। और विडियन ग्रीन को और थोड़ा डार्क दिखाने के लिए मैंने वहाँ पर पर्सन ब्लू ऐड किया है दोस्तों। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने देखा होगा आप लोगों ने मैंने किस तरह से ये ज़मीन का कलर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ट्री में कलर लगा रहा हूँ। तो ट्री के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लेमन येलो लिया है दोस्तों। लेमन येलो के बाद मैं यहाँ पर सैप ग्रीन लगा रहा हूँ। इस तरह से हमें लाइट से डार्क दिखाना है ट्री में, नीचे की ओर डार्क होता जाएगा दोस्तों। साइड से मैंने यहाँ लाइट रखा है ट्री में क्योंकि साइड से वहाँ लाइट पड़ रही है उस पर। देखो दोस्तों, ये धीरे धीरे नीचे डार्क की ओर मैं जा रहा हूँ। और विडियन ग्रीन को और डार्क दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर पर्सन ब्लू ऐड किया है। अब यहाँ पर दूसरे अदर साइड का जो लैंड है ज़मीन उसे मैं कलर अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ भी मैंने वहाँ पर लेमन येलो लगाया है, उसके बाद सैप ग्रीन, विडियन ग्रीन और उसके बाद और डार्क दिखाने के लिए विडियन ग्रीन के साथ पर्शियन ब्लू। इस तरह से लाइट से डार्क
कलर करना है दोस्तों। अब मैं इस घर पे कलर लगा रहा हूँ तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्रिम्सन रेड लिया है मैंने। ऊपर की तरफ मैं यहाँ ब्लेंड कर दूंगा पानी की मदद से। यहाँ इस तरह यहाँ की दीवारें मैं थोड़ा लाइट रखूंगा, तो मैंने हल्का यहाँ पे ब्लू लगाया है, कोबाल्ट ब्लू, और हल्का टच मैंने यहाँ पे हल्का येलो कर दिया है लाइट वे में। और यहाँ हल्का सा मैं डार्क दिखाऊंगा इस तरफ की दीवार जो है घर की, ऊपर की तरफ मैं थोड़ा डार्क दिखा रहा हूँ। डार्क कलर के लिए मैंने यहाँ पर पर्शियन ब्लू के साथ मैंने यहाँ पर वर्मिलियन ऐड किया है, क्योंकि मैं ब्लैक कलर यूज नहीं करता हूँ दोस्तों। जहाँ मुझे डार्क दिखाना होता है कहीं, तो वहाँ पर मैं यहाँ पर्शियन ब्लू के साथ मैंने वर्मिलियन मैंने ऐड करता हूँ। अब यहाँ पर रास्ते में कलर लगा रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लाइट से स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर मैंने येलो ऑकर लगाया है। येलो ऑकर को यहाँ से नीचे की ओर मैं थोड़ा डार्क दिखाऊंगा, तो मैंने येलो ऑकर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ली है। और येलो ऑकर को और डार्क दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बनशाइना भी ऐड किया है। इस तरह से हमारा ये रास्ते का जो कलर ये भी पूरा हो गया। अब इस घर में कहीं कहीं मैं यहाँ पे डार्क दिखा रहा हूँ, जैसे डोर हो गया और वो विंडो हो गई। अब इस ट्री का जो बॉडी है यहाँ पर मैं बनशाइना लगा रहा हूँ, और इस पे मैं डार्क कलर जो मैंने बनाया था पर्शियन ब्लू के साथ वर्मिलियन ऐड करके वहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा कहीं कहीं। पहले यहाँ मैं ब्रांचेस दिखा दे रहा हूँ घर का। यहाँ पर मैं डार्क दिखा रहा हूँ ब्रांचेस में रेड की जो बॉडी है। अब मैं ह्यूमन पे कलर लगा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे कपड़े में क्रिम्सन रेड में लगा रहा हूँ। और नीचे जो धोती है उसे मैं ब्लू अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। इस बॉडी में मैंने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं किया है, बस बनशाइना कलर से मैंने यहाँ पर बॉडी में कलर लगा दिया है, और इसे शेड दिखाया हूँ नीचे हल्के लाइट ग्रीन से। आसमान में मैं कुछ बर्ड दिखा दे रहा हूँ। सो फाइनली ये लैंडस्केप बन के रेडी हो गई है दोस्तों। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो।